नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्वाद हमेशा में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है एपिसोड 4 विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक रेसिपी का, जिसमें आज हम बनाने वाले हैं भंडारे वाले आलू की सब्जी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 से 6 आलू को बॉईल करके रख लिया है और मैंने इसके छिलके भी निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें मैंने 5 से 6 टमाटर को बड़े टुकड़ों में काटा है, हम उसको डाल देंगे। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है, कुछ अदरक के टुकड़े लिए हैं और 1 चम्मच हमने धनिया लिया है। इसका हम एक प्यूरी बना लेंगे। देखिए दोस्तों, कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। अब हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे, सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो टोमेटो प्यूरी बना के रखा था हम उसको डाल देंगे, इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है, सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट बाद हमारा मसाला बन के एकदम रेडी हो चुका है। अब हमने जो आलू बॉयल करके रखा था हम उसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे और डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल के हम सभी मसालों को आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए, मसाले सभी अच्छी तरीके से हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। इसकी ग्रेवी हमको पतली रखनी है क्योंकि ये इसी तरीके से अच्छी लगती है। अब हम इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम गर्म मसाला डालेंगे, सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे, जब तक इसमें अच्छी तरीके से उबाल नहीं आ जाता। देखिए, सब्जी में हमारी अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है, सब्जी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। सब्जी को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। भंडारे वाले आलू की सब्जी बन के तैयार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।